to date, I had choose the bio case, which is most cheapest, you know. So in making this project, I have used some raw materials. So I'll give a short list of that. मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि मुझे आज फकर हो रहा है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि इस 75 इयर्स के जो सेलिब्रेशन जो विज्ञान सर्वत्र पूजा थे जिसमें पूरे देश भर में इसका सेलिब्रेशन कर रहा है और उसका एक हिस्सेदार जो है लद्दाख भी एक अपने नए पहचान के साथ इसमें हम जुट रहा है। तो ये वाकई हम सबके लिए बहुत गर्व का महसूस एक बात है कि लद्दाख एक अपने नए पहचान के साथ आज देश भर में सभी देश के हर राज्यों के साथ कांधे से कांधा मिला के आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार फिर से जो है तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें हमारा पहचान देने के लिए और आज इसी पहचान के साथ हम देश भर में सभी राज्यों के साथ कांधा मिला के कांधे से कांधा मिला के इस विज्ञान जो साइंस वीक को जो है सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे कि इससे पहले प्रोफेसर वीसी मेहता साहब ने भी हमारे जो मेहता साहब ने भी जो बताया उसी तरह डिप्टी चेयरमैन साहब ने भी बताया ऑनरेबल एमपी साहब ने भी बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना महत्वपूर्ण आज के इस दौर में है और लद्दाख में भी जो है जेन्यूनली जो है आज के डेट में जो है एक सही चीज का निर्माण करने की आवश्यकता है। लद्दाख पास से अगर हम देखा जाएगा तो काफी फॉर्चुनेट रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स का बहुत सारे योगदान जो है लद्दाख को डेवलप करने में रहा है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो या मेडिसिनल जो हमारे जो लोकल मेडिसिन होते हैं उसके सेक्टर में हो, आर्ट कल्चर किसी भी क्षेत्र में हो, तो उस सभी में जो है इंडिविजुअल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बड़े इंस्टीट्यूट जैसे हमारे बिहार है इस तरह से जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का भी लद्दाख को जो है आगे ले जाने में सभी का योगदान रहा है। साइंस जिसे सभी कहते हैं कि साइंस क्रिएट्स आइडियाज और टेक्नोलॉजी जो है रियलाइज द आइडियाज, तो ये दोनों तो मेरे ख्याल से आज के डेट में सभी को मालूम है कि कितना हमारे जो लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए जो है इसका एक अहमियत कितना है। अब लद्दाख के लोग भूखे भी हैं डेवलपमेंट को लेके, हमने 70 साल अपने आप को बांध के रखा और जो बेसिक जो हमारे जो नेसेसिटीज है हमें बुनियादी सहूलियत तक आज के डेट तक जो है 70 साल तक अभी भी अगर दूर दराज के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे भी जो है बुनियादी सहूलियत आज के डेट में भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बांध के रखा, कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रेन करके रखा और हमें हमारा जो फंडामेंटल राइट है उससे भी हमें दूर रखा गया है। तो आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है तो लद्दाख 100% जो है चाहता है आगे बढ़े देश के बाकी राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने की प्रयास कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है लद्दाख 70 साल के बाद तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, वेयर इज देश के बाकी जगह जो है 70 साल से हम जिस स्टेज पे आज तरक्की कर रहे हैं उससे बहुत पहले एडवांस में तरक्की कर चुके हैं। हमें फॉर्चुनेट कि हमारे पास अभी भी बहुत ऐसे एसेट्स है जो है लद्दाख को बचाने में जो है अपना रात दिन एक करके काम कर रहा है, उन सभी को सुनने की जरूरत है, उन सभी से सीखने की जरूरत है और इस लद्दाख को किस तरह से हम एक मॉडल की और इस नए लद्दाख को हम सब जिसमें हम सभी को कंट्रीब्यूट तो 100% करना है, ये मेरा और तुम्हारा वाला लद्दाख वाला बात नहीं आना चाहिए, इसमें हम सभी को एज अ वी एज अ टीम किस तरह से इस नए लद्दाख को हमें आगे ले जाना है उसके ऊपर 100% काम करना है और उसमें मैं ये कह रहा हूं हर एक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हर एक जो र्यूमर्स फैलता है उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, एक एक माइन्यूट डिटेल्स में जो है हमें जाने की आवश्यकता है और चीजों को समझने की आवश्यकता है। आज के मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं जो भी मुंह पे आता है वो ना बोले,
एटलीस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें। और देखिए ये थोड़ा सा क्रॉस रोड ऑफ डेवलपमेंट पे है, अभी वल्नरेबल स्टेज पे है। आज अगर हम फाउंडेशन सही नहीं देंगे तो उसका भुगतान कल को आप ही लोगों को करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है युवाओं का एक बहुत बड़ा इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल बनता है, इस नए लद्दाख को किस तरह से शेप अप करना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप सब भी इसमें आगे बढ़ के काम करोगे। बाकी मैं यही एक चीज करना चाहता हूँ कि काउंसिल के द्वारा भी जो है थोड़ा बहुत हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हम भी करने की कोशिश करते हैं। बाकी यूटी प्रशासन के द्वारा बहुत सारी चीजों का कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो पूरा विजन है लद्दाख में जो है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो उसके लिए जो है बहुत सारी चीजों का जो है यहाँ पे उसको डेवलप करना है, उस टेक्नोलॉजी को लाना है, नए टेक्नोलॉजी को रूरल सेक्टर में किस तरह से टेक्नोलॉजी पहुंचाया जाए, रूरल के इकोनॉमी में किस तरह से ग्रोथ ला पाए, एग्रीकल्चर को लद्दाख में किस तरह से सस्टेनेबल बनाए, इन सब के ऊपर तो उनका काम कर रहा है। और जो बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है सोलर एनर्जी में है उसके ऊपर भी जो है बहुत बड़ा एक काम हो रहा है। बहुत सारे एमओयू हमने साइन किया है, बहुत सारे एमओयू हमने साइन करना है। और इसमें जो है यहाँ के लोगों को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा एक इस तरह के प्रोग्राम लद्दाख के लिए अति आवश्यक मैं मानता हूं, क्योंकि लद्दाख एक ट्रेडिशनल विजडम के बारे में लद्दाख को जाना जाता है, जिसमें एक खासकर जो इसमें ग्रैंड ग्रेट साइंस ऑफ बुद्धिज्म का काफी इन्फ्लुएंस है लद्दाख के हर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में। लेकिन एट द सेम टाइम मॉडर्न साइंटिफिक मेथड को किस तरह हम उद्योग में लाके ट्रेडिशनल विजडम को हम आगे कैरी करेंगे, तो ये मेथड इन विजडम को कंबाइंड करके हम इस लद्दाख को लद्दाख के अस्तित्व और देश के हित के लिए और पूरे दुनिया के हित के लिए लद्दाख को हम कैसे इस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही साथ मैं मानता हूं कि हमारे यंग जेनरेशन जो है उनको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में कितना मोटिवेट करेंगे और लोगों में किस तरह साइंस को पॉपुलर करेंगे, उन सब को ध्यान में रखते हुए
आज ये फेस्टिवल जो है लद्दाख में शुरू हो रहा है, इस इनॉग्रल फंक्शन में जितने भी है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम पूरे लद्दाखवासी ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के कारण से लद्दाख में बहुत सारे डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के माइंड में अमन और शांति, पीस, प्रोग्रेस एंड पर्पस लाइफ जो है, जो लाइफ का एक पर्पस होता है वो साफ करने में हमें काफी मदद मिलेंगे। मैं इसके साथ ज्यादा ना कहते हुए आप सबको फिर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख, बहुत बहुत धन्यवाद। The festival is being conducted at 75 different locations and hosts 75 expositions, 75 lectures, 75 films, 75 radio talks, 75 science literary activities and more through a hybrid mode. These programs are held in various Indian languages including Kashmiri, Dogri, Punjabi, Ladakhi, Gujarati, Marathi, Kannada, Malayalam, Tamil, Bengali and many more all over the India. India has seen remarkable progress in science over the past few decades and is now a world leader in scientific research and development. Even then, we are faced with challenges like never before. We have to radically improve holistic agriculture, conservation of water and wildlife, efficiency of solar and wind technologies.